स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो अब भी ये कह रहे हैं कि इन्हें अपने भाई बेटे पति पर नाज है कि उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मतलब ये 12 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये देश के अलग अलग हिस्सों की हैं, लेकिन इन देश के 12 परिवारों को एक सूत्र में पिरोने या एक सूत्र में बांधने का जो मंत्र है वो है देशभक्ति। जी हाँ, किसी का बेटा, किसी का पति, तो किसी के जीवन का एकमात्र सहारा हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुका है, लेकिन अब भी इन्हें गर्व है इनके परिवार का एक सदस्य कम से कम देश के काम तो आया। तो हम आपको बता रहे हैं इन शहीदों के बारे में, और इन 20 शहीदों में से तेलंगाना के रहने वाले कर्नल संतोष बाबू भी हैं। आज कर्नल संतोष बाबू की 9 साल की बेटी की पिता को श्रद्धांजलि देते हुए ये तस्वीर ध्यान से देखिए, यकीन मानिए ये तस्वीर आंखें नम करने वाली है। आज की सबसे भावुक तस्वीर है और शायद आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। आप सोचिए, बेटी को तो बच्चे को पता भी नहीं होगा कि क्या हुआ उनके पिता के साथ और किस तरह से उनके पिता ने देश के लिए प्राणों की आहुति दी, सर्वोच्च बलिदान दिया और अपने परिवार को पीछे छोड़ दूसरा परिवार यानी कि आप और हम 137 करोड़ लोगों के परिवार के लिए, वो भी तो परिवार है, अपनी जान दे दी। అదేంటమ్మా వాడెక్కడో అడగలో ఉంటే నువ్వు ఎక్కడ స్టవ్ ఢిల్లీలో కదా మా అమ్మాయికి ఉదయమే చెప్పిందా जी हाँ, ये आज की सबसे इमोशनल तस्वीरें इस वक्त, अगर ये तस्वीरें आपको इमोशनल नहीं करती तो फिर आपको कुछ भी इस दुनिया में इमोशनल नहीं कर सकता। इन परिवारों को सलाम, इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को नमन, और कुछ तो खास है इस देश की मिट्टी में कि इस देश की हर माँ हर बहन अपने भाई या बेटे को देश की सेवा करते हुए देखना चाहती है। गलवान घाटी में बिहार के समस्तीपुर ने अपने एक वीर सपूत को हमेशा के लिए खो दिया। समस्तीपुर के रहने वाले अमन कुमार सिंह सेना की बिहार रेजिमेंट में तैनात थे। शहीद सैनिक अमन की शादी एक साल पहले हुई थी। परिवार के लोगों को अपने घर के चिराग के खोने का गम है, लेकिन अमन की शहादत पर घर वाले और गाँव के लोग फख्र भी महसूस कर रहे हैं। उससे मुलाकात हुई थी और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था, और गर्व है कि वो देश का नाम रोशन किया है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। मुझे गर्व है कि देश के लिए शहीद हुआ है।
सोमवार रात भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में सीमा पर तैनात बिहार के कुंदन कुमार भी शहीद हो गए। आरन गांव के वीर सपूत कुंदन कुमार ने सीमा की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। शहीद कुंदन कुमार 2012 में सेना में भर्ती हुए थे, उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आपका बेटा उनका आरन का है, आरन के है, सेना आप शहीद हो गए। क्या बोला? शहीद हो गए। शहीद हो गया। बिहार के ही वैशाली के चकफतेह गांव का बेटा जय किशोर सिंह देश के लिए कुर्बान हो गया। किसान परिवार से आने वाले जय किशोर 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। चार भाइयों में जय किशोर दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई भी सेना में रहते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। लद्दाख हिंसा में शहीद हुए हवलदार सुनील कुमार का ये परिवार है। बिहार के दानापुर के बेहटा के रहने वाले सुनील कुमार 2002 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। जिस भाई को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो देश की सेवा कर सके, उस भाई को आज फक्र है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर सुनील अपना फर्ज पूरा कर चुके हैं। देश के प्रति जो है उसने अपनी कुर्बानी दी है, साथ साथ दुख भी, जिसको बच्चा की तरह पाला, मेरे आगे चला गया। भारत और चीन के सैनिकों की झड़प में झारखंड के रहने वाले सैनिक गणेश हंसदा भी शहीद हो गए। वे महज 21 साल के थे, अभी शादी भी नहीं हुई थी, 2 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे ताकि देश की सेवा कर सके, लेकिन गणेश ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। परिवार को कल रात लेह से गणेश के शहीद होने की जानकारी मिली। शहीद गणेश के बड़े भाई कहते हैं कि 2 सप्ताह पहले घर पर उनकी आखिरी बार बात हुई थी। लद्दाख की गलवान घाटी में शहादत देने वालों में सेना के जांबाज जवान कुंदन कुमार ओझा भी शामिल है। 2011 से बतौर सैनिक देश सेवा करने वाले शहीद कुंदन साहिबगंज जिले के इस छोटे से डिहारी गाँव के रहने वाले थे। पिता रविशंकर ओझा एक किसान है, उनकी शादी 2 साल पहले हुई थी। 1 महीने पहले पत्नी ने एक बिटिया को जन्म दिया था। वो अपनी बिटिया को अपनी गोद में लेने से पहले ही शहीद हो गए। तमिलनाडु के रामनाथपुरम के इस घर का मालिक अब कभी लौट कर नहीं आएगा। 35 साल के सेना में हवलदार के पलानी भारत चीन के बीच हुए संघर्ष में शहीद हो गए। पलानी ना तो अपने बेटे के जन्मदिन पर जा पाए, ना ही अपने मकान के गृह प्रवेश में। परिवार से इनकी आखिरी बातचीत 1 जून को हुई थी। तब इन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वो बॉर्डर पर जा रहे हैं। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। मध्य प्रदेश के रीवा के फरेंदा गांव में रहने वाले सैनिक दीपक सिंह गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में शहीद हो गए। परिवार ही नहीं पूरे गाँव का अपने वीर सपूत पर नाश है। शहीद दीपक सिंह 16 बिहार रेजिमेंट में तैनात थे। पिछले नवम्बर में ही इनकी शादी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। दीपक देश के लिए अमर हो गए। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की कुरठोला गांव की है। कल शाम अचानक गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इसी गांव के रहने वाले गणेश कुंजाम लद्दाख में हुए झड़प में शहीद हो गए। परिवार के इकलौते बेटे गणेश 2011 में सेना में शामिल हुए थे। परिवार वालों के मुताबिक गणेश का तबादला होने वाला था, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बोल रहा था कश्मीर से बोल रहा हूँ करके ना, मैं गणेश राम कुंजाम का साहब बोल रहा हूँ। आपका बच्चा जो है चीन ये है बॉर्डर में चला गया करके ना। गलवान घाटी की हिंसा में शहीद होने वालों में पश्चिम बंगाल के जांबाज सुपूत राजेश औरांग भी शामिल हैं। बीरभूम जिले के रहने वाले शहीद राजेश औरांग की शहादत की खबर से परिवार बुरे तरीके से टूट गया है। शहीद का परिवार चीन को जवाब देने की मांग कर रहा है। 26 साल की उम्र में राजेश साल 2015 में भारतीय सेना में चुने गए। शहीद राजेश के परिवार में बूढ़े माँ बाप हैं। तो आपने एक परिवार की तस्वीर देखी, किसी की अभी अभी शादी हुई है, किसी की अभी अभी घर में बेटा हुआ, बच्ची हुई, लेकिन देखिए ना, एक परिवार वो और एक परिवार 137 करोड़ लोगों का, और देशवासियों के परिवार के लिए अपने परिवार की परवाह ना करते हुए 20 जवानों ने मारते मारते शहीद हुए। जो प्रधानमंत्री के शब्द थे वो सबसे अहम है। ये जितने भी लड़ाके जवान थे हमारे, वो मारते मारते शहीद हुए। चीन को मारा, लेकिन ये 12 परिवारों की तस्वीरें, तीर्थ स्थल, शहीदों का घर, तीर्थ स्थल,
और उनके परिवारों से मिलिए। आपके लिए मिलना जरूरी है।